नमस्कार दोस्तों, आप सभी का औषधि एंड हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उफ्लॉक्स ओजेट सस्पेंशन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे इस सस्पेंशन का यूज किन बीमारियों में किया जाता है, इसमें कौन सा कंटेंट मिलाया गया, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इसके डोज के बारे में बताएगी, इसे कितना लेना होता है। यह दवा दोस्तों छोटे बच्चों के लिए है। यह जो है एंटीबायोटिक दवा है। यह आपको एक डॉप बॉटल में जो है 30 ml में मिलेगा और इस 30 ml का जो प्राइस है आपको 66 रुपये मिल जाएगा। यह दवा आपको सभी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इस दवा को जो है सिप्ला लिमिटेड कंपनी बनाती है, जो कि बहुत ही पुरानी दवा बनाने वाली कंपनी है। दोस्तों, इसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं, इसमें कौन सा कंटेंट मिला हुआ है। इसमें जो है उफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल, ये दो कंटेंट मिले हुए हैं। इस दवा के यूज़ के बारे में जान लेते हैं, इसका जो यूज है किन बीमारियों में किया जाता है। यह दवा दोस्तों छोटे बच्चों के लिए है। छोटे बच्चों को अगर दस्त हो रहा है, पेचिस हो रहा है हो, या फिर आँतों में इन्फेक्शन हो गया हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, मल में के रास्ते से जो है खून आ रहा हो, मसूड़ों से खून आ रहा हो, स्किन में इन्फेक्शन हो गया हो, इन सभी समस्या के लिए इस दवा का यूज़ किया जाता है। इसके डोज के बारे में बात करते हैं, इसे जो है छोटे बच्चे जो है 2.5 ml से लेकर 5 ml तक ले 2 से 3 बार दिन में। डॉक्टर के सलाह के बाद ही आप इस दवा का सेवन करें। इस दवा के सेवन से कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे पेट दर्द, उल्टी या मतली, चक्कर आ सकता है, त्वचा पर दाने निकल सकते हैं, खुजली हो सकती है, ऐसी समस्या हो सकती है। अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या लगे तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। दोस्तों, जब भी आप किसी भी दवा का सेवन करें तो उसका एक्सपायरी डेट जरूर देखें और बिना डॉक्टर के सलाह से किसी भी दवा का सेवन ना करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।